जय हिंद दोस्तों। सी एस एफ एल डी सी ई 2020 टेस्ट वन इंग्लिश, ठीक है। इसका हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ईडीएम। देखो यहां से पता चल रहा है ईडीएम निकालना है। तो 101 इन द रेड, इन द रेड का मीनिंग क्या होता है, जब कहता है ना रेड जोन में, मतलब डेंजर, ठीक है ना। टू फेस द म्यूजिक, देखो फेस द म्यूजिक का क्या मतलब होता है, आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, इसको याद रखने का एक तरीका है। पहले क्या होता था, जब कोई भी कोई गलती करता था ना, तो उसको क्या करते थे कि यहाँ फ्रांस वगैरह में, वह उसे ना एक गंदा सा ओपेरा लगा के, म्यूजिक लगा के छोड़ देते थे। तो उसको उसकी कान ना फटने लग जाते थे, दर्द होता था उसे, तो मारते पीटते नहीं थे। इस तरह के जो है ना, उसे इस तरह से पनिशमेंट दिया जाता था। ऐसे पनिशमेंट देने के ना बहुत सारे ब्रिटेन में, फ्रांस में तरीके थे। तो तभी से ना ये टू फेस द म्यूजिक चल गया, ठीक है। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, यदि आपने कोई गलत कर दिया है तो आपको या तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा या आपको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू फेस द म्यूजिक। लोग जो चिल्लाने लग जाते हैं, मान लो आपने कुछ किया फिर लोग चिल्लाने लगे, मैं, तो उसी को, वो क्या है, आपका क्रिटिसिज्म कर, दैट इज द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द क्रिटिसिज्म, राइट। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब है, जब देखो क्या हुआ होता है, जब हॉर्स रेस हुआ करता था, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि सारे के सारे व्हाइट हॉर्स थे, व्हाइट हॉर्स रेस कोर्स में, ठीक है, एक डार्क हॉर्स गया, ठीक है, और वो दुबला पतला था। लोगों ने सोचा कि अरे ये क्या जीतेगा, और फाइनली वही जीत गया। तो डार्क हॉर्स का मतलब तब से आ गया, अनएक्सपेक्टेड विनर, जो लगता नहीं था जीत जाएगा लेकिन जीत गया, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, राइट। नेक्स्ट आओ 104, बीट अबाउट, ये अबाउट है, सॉरी अबाउट, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब है, जैसे चोर को पकड़ लिया पुलिस वाले ने, तो चोर ने कहा, पुलिस ने पूछा कहाँ पैसा छुपाया, तो वो कभी इस वाले झाड़ी में जाता, कभी इस वाले झाड़ी में जाता, कभी इस वाले झाड़ी में जाता, घुमा फिरा रहा था बातों को, सच्चाई नहीं बता रहा था पुलिस वाले को। तो बीट अबाउट द बुश मतलब बातों को घुमाना फिराना, राउंड अबाउट करना, सच्चाई नहीं बताना, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले, इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ठीक है। जैसे आई गेट दिस इन ल्यू ऑफ हार्ड वर्क, मुझे ये सब मिला है हार्ड वर्क करने के उस चक्कर जगह पे, है ना, इन ल्यू ऑफ के बदले। वन हंड्रेड सिक्स पे आइए, द नॉबल मैन गेव अप द घोस्ट, गेव ऑफ द घोस्ट, ये यहां से यहां तक ईडियम है। गेव अप द घोस्ट का मतलब होता है घोस्ट बन जाना, मतलब मर जाना, डाइड। डॉन इन द माउथ, देखिए तो डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है कि डाउन इन द माउथ, आप माउथ के डाउन है, मतलब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस केस ऐसा होता है डाउन इन द माउथ का सिचुएशन, मतलब आप काफी डिप्रेस्ड है, वेरी डिप्रेस्ड, डाउन इन द माउथ, ठीक है। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इसको ऊपर कर लो, हाँ, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज ना, इसको याद कर लो, इसका मीनिंग होता है लाइफ में बहुत सारे जोखिम उठाना, एडवेंचरस लाइफ, टू हैव लाइफ अ फुल ऑफ एडवेंचर, ठीक है ना, लीज एडवेंचरस गेम को भी कहते हैं। ए व्हाइट एलिफेंट,
व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, वैसे एलिफेंट आपने देखा है ना ब्लैकिश ब्राउन होता है, व्हाइट एलिफेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है और वो काम वाम कुछ नहीं होता उनसे। जैसे एलिफेंट को लोग रखते थे पहले भारी भारी काम करवाने के लिए, वो काम भी नहीं करता है और ज़्यादा उसमें खर्चा भी है। तो एक ऐसा कोई चीज़ जो कॉस्टली बहुत है और यूजलेस है, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजिशन। इन ब्लू मून, देखो ब्लू मून जो है ना कभी कभी दिखता है, ये अपने इंडिया में तो दिखता नहीं है खैर, ठीक है ना। ब्लू मून जो आर्कटिक प्रदेश हैं है ना उधर दिख जाता है, ठीक है। तो इन ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, रेयरली ब्लू मून, तब से वहां फेमस हो गया, जैसे ब्लू मून दिखता था मतलब रेयरली। इलेवेंथ पे जो ईडियम है ना मुहावरे, वो बनते ही हैं लोग इतना कुछ ऐसा, जब कुछ कहीं पे स्पेशल हो जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मुहावरे बनाते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा, तो इसलिए कह दिया इन ब्लू मून, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी आर्कटिक प्रदेशों में कभी कभी ब्लू मून दिखता है, तो उससे दे दिया कि भाई इन ब्लू मून मतलब रेयरली। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिखते हो दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। 112 पे आ जाओ। An abandoned child of unknown parent who is found by somebody, ठीक है ना। देखो कुछ लोग, देखो यदि ऐसा होता ना, यदि बच्चे का माँ बाप नहीं होता तो वो होता ऑर्फन, ठीक है ना, ऑर्फन होता, ठीक है ना। अर्चीन मतलब गली, गली में जो बच्चे घूमते रहते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं। और ये किसी को मिला है तो इसे फाउंडलिंग कहते हैं, ठीक है ना। अर्चिन रोड छाप को कहते हैं। ऑर्फन अनाथ, जब माँ बच्चे नहीं होते। सिबलिंग मतलब भाई बहन, आपस में कितने भाई बहन होते हैं ना, कहते हैं ना हाउ मैनी सिबलिंग डू यू हैव, तो मतलब कितने आपके भाई बहन हैं। 113 पे आ जाओ। पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, देखो जब किसी कंट्री का कोस्ट के आसपास जो जगह होता है, ठीक है, उसे हिंटरलैंड कहते हैं, हिंटरलैंड, ठीक है। या फिर जैसे देखो इंडिया है, आप जब केरला में जाओगे तो क्या होता है कि छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा टापू सा बन गया, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सो दिस इज द हिंटरलैंड, जनरली हिंटरलैंड में लोग रहते नहीं, ठीक है ना। अ रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, है ना, जब आपके कैरेक्टर के बारे में आपका एम्प्लॉयर जो है ना कुछ लिख के देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, ठीक है ना। जब आप भी रिटायर हो गए तो आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा यहाँ पे इस तरह से काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया, ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, राइट। नेक्स्ट 115 पे आओ। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक कभी नहीं करता, इनफेलिएबल। पेसिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो नकारात्मक सोच रखता है, ऑप्टिमिस्टिक जो अच्छे सोच रखता है कि हाँ अच्छा होगा, ऑप्टिमिस्ट। हिपोक्रेट मतलब झूठा, है ना, हिपोक्रेट चालबाज, उसे हिपोक्रेट कहते हैं। 116 पे आइए, क्या करना है हमें इसमें, अपोजिट, क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शोरगुल मचाना। पैंडेमोनियम का मीनिंग होता है शोरगुल, ठीक है ना। वेग, वेग मतलब होता है झूठा, है ना, अनक्लियर, तो उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। इनइवाइटेबल, जिसको रोका ना जा सके, तो उल्टा क्या हो जाएगा, जिसे रोका जा सके, है ना। इनइवाइटेबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके या जिसको अवॉइड ना किया जा सके, तो उल्टा क्या हो जाएगा, या तो स्टॉपेबल या अवॉइडेबल। जैसे हम कह सकते हैं ऐसे कि फैंस आर इनइवाइटेबल इन समर्स, समर्स में आपको यूज करना ही पड़ेगा गर्मी की वजह से। ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइड। रैपिडली मतलब जल्दी से, जल्दी जल्दी, तो उल्टा क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। नेक्स्ट आइए डायरेक्शन, यहां पे क्या करना है हमें, चूज वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, अच्छा बेस्ट एक्सप्रेस कह रहा है ना, इसका मतलब ये सिनोनिम है, ठीक है ना। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है कुछ एक्सपेक्ट करना, जब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन, एक्सपेक्ट करना, ठीक है ना।
ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, एक्सेसिव। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मीनिंग होता है जब एक स्टूडेंट बहुत सोच समझ के पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। उसका सिनोनिम होता है पेन्स टेकिंग, जो पेन ले रहा है अपने वर्क में। ठीक है, अबंडेंट मतलब जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जैसे हम क्या कहेंगे, पोटैटो इज अबंडेंट इन इंडिया, है ना, बहुत ज्यादा मिलता है कहीं भी आप चले जाइए। सो दैट इज अबंडेंट, प्लेंटीफुल, है ना, सफिशियंट मतलब जितना चाहिए उतना है। सफिशियंट मतलब तो जितना चाहिए उतना है, ज्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना है। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा। सिग्निफिकेंट मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपने जो ये काम किया इसका सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है, मतलब कुछ ना कुछ इसका यूज है। वाइब्रेंट मतलब होता है लाइफ फुल, है ना, हिलेरियस। इक्वेंट मतलब होता है जान पहचान के लोग, इक्वेंट या इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है ना, तो इंट्रोड्यूस आपने फेसबुक वगैरह में देखा होगा, लिखा रहता है इक्वेंटेंस, मतलब आपके जानकार। चलिए इस पे आ जाओ, पैसेज पे। तो पैसेज करने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए, फिर पैसेज करना चाहिए। क्यों? फिर वो ब्रेन में रहता है। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू, ठीक है, व्हाट डेवलप फर्स्ट इन पेलियोलिथिक एज, ठीक है, फॉर हाउ मैनी ईयर डिड मीजोलिथिक एज एग्जिस्ट, मीजोलिथिक कितना दिन रहा। ठीक है, व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कब क्रिएट किया लोगों ने। ओके ठीक है, तो ये दिमाग में बैठ गया अभी। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और जहां भी हमें मिलेगा कि ये आंसर है हमारा, वहां हम वो कर देंगे, लाइन कर लेंगे। हो सकता है कुछ हम भूल भी जाएं, कुछ क्वेश्चन याद ना भी रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द अब दिमाग में है कि हम मुझे ये चीजें ढूंढना है। अब पैसेज इज गिवन, फाइव क्वेश्चन, सॉरी यहां से पढ़ना है। द स्टोन एज वॉज पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिगेन अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन BC, इतना में शुरू हुआ एंड लास्टेड इतना BC। तो ये याद रख लेते हैं क्योंकि हमें हो सकता है इसकी जरूरत थी। इट इज नेम डिवाइड फ्रॉम, देखो नेम था ना डिवाइड, कितने फॉर्म में डिवाइड, कितनी पार्ट में डिवाइड था, ये आ गया। इट्स नेम वॉज डिवाइडेड फ्रॉम स्टोन टूल एंड वेपन दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर। द पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू कितने में, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, में तीन में। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड था पेलियोलिथिक, वो 2 मिलियन टू इतना BC था। द फर्स्ट हैचे एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हीटिंग द कुकिंग वर डेवलप, यहां पर डेवलप किया गया फर्स्ट वाले पार्ट में। एज रिजल्ट ऑफ द आइस एज विच इवॉल्व अबाउट 1 बिलियन ईयर इज द पेलियोलिथिक ईयर, इन द पेलियोलिथिक में ऐसा हुआ। ठीक है, ओके। एज पीपल वर फोर्स टू सीक शेल्टर इन केव वियर क्लॉथिंग एंड डेवलप न्यू टूल ड्यूरिंग द मीजोलिथिक में ऐसा हुआ एज। और मीजोलिथिक का आपसे पूछा था कब से कब एग्जिस्ट किया था, तो 8000 से 6000 के बीच में, तो 2000 ईयर्स हो गया, है ना। पीपल मेड क्रूड पोटरी एंड फर्स्ट फिश हुक टुक डॉग फॉर हंटिंग एंड डेवलप द बो एरो विच यूजली 14th century AD में ऐसा हुआ। ठीक है, न्यूलिथिक एज यहां से यहां तक रहा। सॉ ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शिप, गोट्स, पिग्स एंड कैटल्स, एंड गवर्नमेंट भी इसी टाइम में बना, परमानेंट सेटलमेंट भी इसी टाइम में बना। ठीक है, अब अपने दिमाग में आ गया आंसर, अब करना स्टार्ट करते हैं। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू, तो स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, है ना, और न्यूलिथिक। तो ये तीन पार्ट में। इसके बाद कहता है व्हाट डेवलप फर्स्ट पेलियोलिथिक इन पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले क्या डेवलप हुआ। तो पेलियोलिथिक पीरियड में जो सबसे पहले डेवलप हुआ अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यहां देखो हैचे था, मेरे ख्याल से यही था, फर्स्ट हैचे, है ना, द फर्स्ट हैचे यूज ऑफ द, ठीक है, तो हैचे लगा दो आप, हट हट झोपड़ी। फॉर हाउ मेनी ईयर मीजोलिथिक, 2000, 8000 से 6000 था, तो 2000 का डिफरेंस आएगा, माइनस करोगे तो 2000। विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा कौन चला, अब सभी को माइनस करो और पता करो। तो 2000 था, आओ ऊपर आओ, देखो देखो पैलियोलिथिक 2000 था, सॉरी मीजोलिथिक 2000 था, ये 3000 डिफरेंस आएगा इसका, और इसका डिफरेंस देखो 2 बिलियन BC से 300 BC तक, तो ये तो बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा, 2 बिलियन में से 3000 घटाओगे तो बहुत ज्यादा आएगा डिफरेंस, तो पैलियोलिथिक ही ज्यादा दिन चला, लगा दो टिक।
विच वैन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट नियोलिथिक एज में हुआ था, 6000 से 3000 में, लगा दो ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड डैश फ्यूल प्राइस इज द कैबिनेट मीटिंग। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, रेज करने के लिए, कम करने के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन अपने पास ये देखो रेजिंग, रेज करने के लिए, तो इंसिस्टेड ऑन होता है हमेशा, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, तो ऑन वाला लगा दो, इंसिस्टेड ऑन रेजिंग, ठीक है ना। 132 पे आ जाओ, द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, ठीक है ना। जो पपी हैं उनके ग्रुप को लीटर्स कहते हैं, लीटर्स, द लीटर ऑफ पपीज, ठीक है ना। मैंने पेनड्राइव में नाउन वाले चैप्टर में ये पूरा जितना भी आपका है, जितने भी क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन है, वो मैंने करवाया, वहां पे मैंने ये चीज करवा रखा है, ठीक है ना, कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। 133, ही डैश हिज फादर, ठीक है ना, ही डैश हिज फादर, वो अपने फादर के जैसा टेक्स बैक, टेक्स, अच्छा देखो एक idiom होता है, उसका मतलब होता है टेक कि अपने जैसा दिखना, अपने जैसे कहते हैं बाप तो बेटे की जैसा दिख रहा है, तो टेक्स आफ्टर कहते हैं उसके जैसा दिखना, तो टेक्स आफ्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब वो अपने पापा के जैसे दिखता है, तो टेक्स आफ्टर होता है, ये याद रखना होगा, idiom है, idiom नहीं मतलब फ्रेज है, नॉट idiom, इट्स अ फ्रेज। गार्ड डस स्पेलिंग मिस्टेक, गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक, कह रहा अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान दो, तो गार्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक, जब हम किसी चीज को ठीक करने के लिए काम करते हैं तो अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक। मेक हे वाइल द सन, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अकेला है ना तो शाइन्स होगा, आपको तब हे मतलब भूसा सुखाना चाहिए जब सन शाइन करे, ये एक idiom है। 136 पे आ जाओ, इंटरनेट कैफे ओनर, देखो idioms, idioms एंड phrases, phrases, ये आप याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में idiom phrases बहुत आ रहा है, आप देखो 2019 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी idiom phrases बढ़ने के लिए आ गया था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है, तो idiom phrases ना याद होना चाहिए, और idiom phrases ऐसा नहीं है ना कि आप एक दिन में बैठ के याद कर लोगे, उसको रेगुलर जो है ना माइंड में बिठाना पड़ता है, तो उसको जो है ना ऐसे करके क्या करो कि भाई 1 से 100 तक ले लिया, भाई लिख लिया idiom और फ्रेज, या idiom या फ्रेज 50 idiom ले लो 50 फ्रेज ले लो, उसको 3 दिन तक पढ़ो, फिर अगले 3 दिन अगले 50, और मतलब 50 idiom 50 फ्रेज, और फिर संडे को रिवीजन, फिर ऐसे करके जब आप करते जाओगे ना, और संडे संडे को रिवीजन 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। दो भाई की कहानी आपने सुनी होगी कि दो भाई थे लकड़हारे थे, तो एक के पास ना क्या हुआ, राजा ने पता नहीं क्या हुआ, उसने क्या एक वीरता दिखा दी, राजा ने उसको एक कुल्हाड़ी दी, ठीक है ना, अच्छे मेटल का, और उसका एक गरीब भाई था उसके पास घर की कुल्हाड़ी थी, तो इसका ये जो भाई था इसका जिसको राजा ने कुल्हाड़ी दी, वो जाता जंगल में खूब लकड़ी काट के लाता, थोड़ा थोड़ा पैसे वाला हो गया वो, और जो ये था ये बेचारा क्या करता, रोज अपनी कुल्हाड़ी को घिसता, फिर काटता, फिर जो होता उससे फिर जाके बेचता। ये जो बंदा था जिसको राजा ने कुल्हाड़ी दिया, ये क्या करता, ये अपने कुल्हाड़ी को का ध्यान ही नहीं देता, और ये क्या करता, रोज इसको क्या करता, इसको पैना करता, धार लगाता, धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी कुल्हाड़ी जंग खा गई, और इसकी कुल्हाड़ी तेज थी, तो ये अपनी अपना काटता रहा, भले स्लो स्लो पैसे वाला बना, लेकिन ये पैसा वाला एक दिन बहुत पैसे वाला बन गया, और ये धीरे धीरे इसका जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, मतलब कि ये धीरे धीरे अपना रिवीजन कर रहा था। रिवीजन करने से हो सकता है धीरे आपका प्रोसेस धीरे हो, दूसरे जो स्टूडेंट होंगे आपसे बहुत आगे, वो कहेगा कि मैंने तो यार 10 चैप्टर कर लिए तो इतने पे ही पढ़ा है, मैंने तो इतने idiom कर लिए तो इतने पे पढ़ा है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सारा भूल भी जाएगा, और आपके माइंड में हमेशा वो चलता रहेगा, धीरे धीरे वो बैठता रहेगा, ठीक है ना। देखो यदि आप मैथ के ना मान लो 100 क्वेश्चन एक दिन कर लिए और पूरे वीक बैठ गए तो कोई फायदा नहीं, और वही एक स्टूडेंट है जो 10-10 क्वेश्चन कर रहा है, यानी 100 को रोज 10-10 क्वेश्चन कर रहा है या 20-20 क्वेश्चन कर रहा है, तो वो ज्यादा फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि वो रोज ब्रेन को ना फीड कर रहा है, रोज ब्रेन को याद दिला रहा है, ब्रेन को हमारे रोज याद दिलाना होता है कि बेटा जाग जा, बेटा जाग जा, बेटा जाग जा,
तब वो जागा रहता है। और यदि आप एक दिन खूब तो जगा दोगे, उसे खूब मजबूती दे दोगे और बाकी 7 दिन सो गए, तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप देख लें जो मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे हवा हवाई वाली बात है, आप इसे टेस्ट करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना इन चीज़ों पे। ठीक है, एक कोई भी चीज़ ले लेना जिसको आप एक दिन करके फिर छोड़ देना, और दूसरा मतलब ज़्यादा करके, और एक जो है ना धीरे धीरे एक आध क्वेश्चन करके करके करना, देखना वो आपके माइंड में रह जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए करना ही यही पड़ता है। क्या हमेशा अपने को सारे सब्जेक्ट से, सारे चैप्टर से कनेक्टेड रहना पड़ता है? जहां आपका कनेक्शन टूटा वहीं बत्ती गोल। अब देखना ये होता है। 136 पे आ जाइए, क्या कह रहा है, इंटरनेट कैफे ओनर्स फियर दैट ए पुलिस क्रैकडाउन मे कॉज, इंटरनेट कैफे ओनर फियर दैट अ पुलिस क्रैकडाउन मे कॉज डैमेज टू दियर बिजनेस। यदि पुलिस वालों ने छापा लगा दिया तो कैसा हो जाएगा कि बिजनेस चौपटी हो जाएगा, इररिपरेबल। इररिपरेबल मतलब होता है जिसका कोई फिर से रिपेयरमेंट ना, रिपेयर ना किया जा सके, खराब तो खराब। इटरनल मतलब होता है हमेशा चलने वाला, अनटोल्ड तो जो सुनी ना हो कभी, अनटोल्ड स्टोरीज जो कहा नहीं गया हो। और अनहर्ड मीन्स होता है अनसुनी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2019 में। अनहर्ड और अनटोल्ड में डिफरेंस, अनटोल्ड का मीनिंग होता है जो कहा ना जा सके, बोला ना जा सके, अनहर्ड मतलब जो सुना नहीं है। ठीक है ना, जो आपने कभी सुना ना हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे अनहर्ड। वी हर्ड दैट द रिचार्ड डैश दियर हाउस रिसेंटली, रिचार्ड विल शिफ्ट की बात कर रहा है। वी हर्ड दैट, हर्ड देखो जैसे ही मैंने पढ़ा हर्ड, तो ये सेकेंड फॉर्म है ना, यानी सिंपल पास्ट हो गया। तो वी हर्ड दैट द रिचार्ड दियर हाउस रिसेंटली, तो बताओ पहले उसने सुना होगा या पहले रिचार्ड ने घर को, रिचार्ड जो है उसने घर को शिफ्ट किया होगा, पहले उसने घर को शिफ्ट किया होगा, बाद में इसने सुना कि हाँ उसने शिफ्ट कर लिया है। तो जब पास्ट का पास्ट होता है, पास्ट में भी दो काम हो, जब पास्ट में दो काम हो रहे हो, पहला काम दूसरा काम, जो सबसे पहला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो पहले उसने शिफ्ट किया था, तो यहां पास्ट परफेक्ट लगा दो, हैड शिफ्टेड होगा, हैड शिफ्टेड। जब भी याद रखो, जब पास्ट में दो काम हो रहा हो तो जो पहला काम हो रहा होगा वो सिंपल, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो दूसरा काम होगा वो सिंपल पास्ट। इसलिए देखो ये सिंपल पास्ट है वी हर्ड, क्योंकि बाद में सुना। ठीक है ना, तो याद रखना जब पास्ट में दो काम हो रहा हो तो पहला काम पास्ट परफेक्ट, पहला काम पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, 138 पे आ जाओ। द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड, रिमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, किस चीज को एक्सप्रेस करना, डैश द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकम, जितना ज्यादा वो चिल्लाएगा चिखेगा सिचुएशन उतना ज्यादा क्या हो जाएगा वीक। रिमोन्स्ट्रेटेड रेफरी, रेफरी के साथ जितना रेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो विद इंसानों के साथ विद लगाते हैं, विद द रेफरी होगा, है ना, फॉर द रेफरी तो नहीं होगा, वो रेफरी के साथ जितना ज्यादा रेमोन्स्ट्रेट करेगा मतलब बकवासबाजी करेगा, विद द रेफरी आएगा, इंसानों के साथ विद लगाते हैं। ठीक है ना, आवर टीचर इनकरेज्ड डैश सेटिंग द पोयम टू म्यूजिक, आवर टीचर इनकरेज्ड ही सेटिंग, देखो आवर टीचर इनकरेज्ड, इंक्रेज मेन वर्ब है, सब कभी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही होता है ना सेंटेंस में, तो भाई मेन वर्ब के बाद अब ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो ही तो नहीं आएगा। ठीक है ना, हिम आ सकता है या हिज आ सकता है, अब हमें देखना पड़ेगा कि मैं हिज लगाऊं या हिम लगाऊं। तो आवर टीचर इंक्रेज हिम सेटिंग, है ना, सेटिंग द पोम टू म्यूजिक, यदि मैं यहां हिम लगाऊंगा, देखो आना चाहिए हिम, लेकिन जीरंड जब आ जाता है ना, जेरंड, तो उससे पहले पजेसिव केस आता है, ये मैंने आपको वर्ब टू में पेनड्राइव में पढ़ाया हुआ है, जब भी जीरंड आ जाता है तो जेरंड के पीछे हम लोग फिर पजेसिव केस लगाते हैं, हिज सेटिंग द पोयम टू म्यूजिक। ठीक है, चलिए, ही वुड नॉट हैव बिन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प, विद माई हेल्प, है ना, या फॉर माई हेल्प, क्या आएगा एक बार फिर से बोलो, ही वुड नॉट हैव बिन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होता इन द प्रोजेक्ट
बट, अच्छा बट फॉर, देखो बट आ गया ना, बट फॉर होता है, बट फॉर कंडीशन होता है, बट फॉर एक साथ ही आता है तो बट फॉर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप कंफ्यूजन हो रहा था कि विद लगाऊं, क्योंकि माई था यहाँ पे, ह्यूमन था तो विद लगता, लेकिन मैं अब देखा क्या कि यार फॉर भी है, फॉर से थोड़ा सा ये आया कि देखो ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है ना, जो मैंने आपको भेजा था कल के टेस्ट में। बट फॉर जो है ना, उसके साथ जब भी वुड हैव बिन होता है तो बट फॉर आता है, बट फॉर कंडीशन है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे बट फॉर द डॉक्टर्स हेल्प द पेशेंट वुड हैव सेव्ड, है ना, बिना डॉक्टर के हेल्प के वुड हैव नॉट बिन सेव्ड, बिना नहीं बचाया जा सकता था, तो बट के साथ फॉर आता है, बट फॉर जो है कंडीशनल, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलिए कंडीशन वाले सेंटेंस को ना बहुत ध्यान से पढ़ना। कंडीशनल सेंटेंस से क्या होता है, क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना, और एरर में तो अब आ ही सकता है क्योंकि अब एरर भी आने लग गया है। चलो इसमें है करेक्टली स्पेल्ड, जो स्पेलिंग कैलेंडर है, तो अपने देखो जब भी स्पेलिंग आए ना, एक बार खुद से लिखने की पहले कोशिश करो, कैलेंडर, उसके बाद कर दो। यदि आपने ऑप्शन को देखा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन जब भी स्पेलिंग वाला है ना, एक तो स्पेलिंग वाले वीडियो का प्रैक्टिस करके जाओ, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए भाई तो देखो, कुछ जो 100 स्पेलिंग्स का जो सेट मैंने आपको करवाया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, वो तो जरूर करके जाओ आप, ठीक है। बाकी जब भी स्पेलिंग टेस्ट आए तो जैसे स्पेलिंग दिखे ना, उसको बंद, उसको ढक दो अपने हाथ से, उसको देखो मत, पहले खुद से स्पेलिंग लिख लो और फिर करो तो कैलेंडर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यदि एक साथ बहुत सारे देख लिए तो। स्पेलिंग ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल का स्पेलिंग क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन लिख लो पहले, ऑब्जेक्शन ये होता है और एबल लगा दो, ऑब्जेक्शनेबल। अब ये वाला कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। नाउ एपोलॉजी, देखो एपोलॉजी क्या होता है, एपो लॉजी ऐसा होना चाहिए था, लॉजी ऐसा होता है, लेकिन जब भी डबल वॉवेल आता है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, नहीं यहां पे सेम वॉवेल आ गया ना, सेम वॉवेल में डबल नहीं होता है, जब भी वॉवेल आता है तो कॉन्सोनेंट बीच वाला डबल हो जाता है, और जब सेम वॉवेल आ जाए तो डबल नहीं होता, ध्यान रखना, तो एल सिंगल आएगा, मैंने ठीक लिखा था, एपोलॉजी ये आएगा आंसर। इसके बाद है एक्सीलेंस, कुछ तो याद करके जाना है, एक्सीलेंस। एम्बैरेसमेंट का बहुत आता है, मैं एक बार लिख देता हूं, ये जरूर लिख के जाना याद करके, EMBARRASMENT, और ये बीच में यहां गलती होती है, ARRASS होता है, ठीक है। देखो एम्बैरेसमेंट, कमिटी, ग्रामर तुम्हारा, क्या कहते हैं, और एक दो हैं जो हमेशा आता रहता है आपका, ये सैटेलाइट की स्पेलिंग बार बार आती है, फिर आपका जो है एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो बहुत ही ज्यादा, ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग बहुत आता है, तो इन सब का ना जो मेन मेन है उनको याद करके जाओ हमेशा। ग्रामर देखो यहां भी है, ये देखो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR, ई नहीं होता ER, यहां पे गलती होती है, लोग ER लगा देते हैं, AR होता है ग्रामर, ग्रामर में ई आता ही नहीं है, याद रखना अभी से माइंड में बिठा लो, नहीं तो जनरली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहां ER लगा देते हैं, दिस इज रॉन्ग मोस्ट ऑफ देम, यदि आप, मैं 50 से लिखवाऊं तो 40 यही गलती करेगा। चलो PQRS पे आ जाओ, तो जो फर्स्ट PQRS है इसको करते हैं, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल, पहले इसको पढ़ लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला दिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पहला आएगा आएगा, कभी कभी ऐसा भी आने लग गया है कि आपको बस ABCD दे देगा, आप PQRS की जगह ABCD करके, और उसमें फर्स्ट जो फिक्स रहता है कि ये आएगा आएगा पहले सेंटेंस में, वो नहीं रहता, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो और इजी हो जाता है, ये थोड़ा सा टफ होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्वायर है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्वायर, ठीक है, विच मेक्स देम हेजिटेंट,
देखो हमेशा जब PQRS करो तो ये ध्यान में रखना SVO, बाकी ग्रामर में कौन किसके बाद आता है वो थोड़ा सा याद रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्वायर विच मेक देम हेजिटेंट दियर एंसेस्ट्रल कल्चरल एंड, कल्चरल एंड देख लो यहां पे कोई, यहां पे नाउन वाला आना चाहिए ठीक है ना। तो कल्चरल एंड यहां पे एक ट्रेडिशन दिख रहा है, देखो ये रहा, तो दियर एंसेस्ट्रल कल्चर एंड ट्रेडिशन मोस्ट ऑफ द पीपल एक्वायर दियर, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, क्या प्राप्त किया, दियर एंसेस्ट्रल कल्चरल, तो क्यू पहले आ जाएगा ठीक है। तो क्यू वाला कौन सा है भाई, देखो ये दोनों है, इस ये दोनों तो वैसे ही कट गए। अब इसके बाद क्या आएगा देखो, एंसेस्ट्रल कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो एस आएगा, तो क्यू वाले में देख लो एस वाला कौन सा है, ये वाला, बस पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, लोकल इंडस्ट्री हमेशा क्या करते हैं, तो लोकल इंडस्ट्री ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, वो प्रोटेस्ट करते हैं हाई सैलरी, तो इजी हो गया, ये पी में हो जाएगा पहला, और देखो पी ही बार बार है इसीलिए ये दोनों हटाओ। अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन रहेगा कि अब कौन सा करें ठीक है। अब देखते हैं, लोकल इंडस्ट्री ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज दैट दिस सैलरीज, अब देखो प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, इसके बाद कोई जो है वर्ब आना चाहिए ना कि आगे क्या करेगा, दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज अर्ग्यूइंग वीमेंटली, वीमेंटली मतलब चिल्ला चिल्लाकर, वीमेंटली ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल। तो पहले तो आ जाएगा पी कि लोकल इंडस्ट्री ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल आएगा, ऐसा आ जाएगा, क्यों, मल्टीनेशनल जो ज्यादा पैसे देते हैं उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है। हाँ यहां से पता चल गया, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल, तो ये वाला हो जाएगा मल्टीनेशनल फर्म। अब देखो आर यदि हम लेते कि लोकल इंडस्ट्री ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज अर्ग्यूइंग वीमेंटली, तो एक जो है ना मीनिंग नहीं बन रहा है ठीक है ना, तो इसीलिए आएगा पी के बाद एस, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म अर्ग्यूइंग वीमेंटली दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज ऑल वेजेस, ये ऑल वेजेस को बढ़ा देगा टू एन एक्सेसिव लेवल, बहुत ज्यादा लेवल तक। भाई लोकल इंडस्ट्री कम पैसा देना चाहता है, जो बाहर की इंडस्ट्री है मल्टीनेशनल वो ज्यादा पैसा देती है, तो लोकल इंडस्ट्री इससे क्या होता है, उनको लॉस होता है, उनका ज्यादा खर्चा चला आता है, वो जो मल्टीनेशनल होता है वो अपने खर्चे को मैनेज कर लेता है क्योंकि बहुत सारे कंट्री में उनका बिजनेस चल रहा होता है, तो उनका क्या होता है, देखो लोकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह से काम आ रहा है वही हो रहा है, यदि ये वेज ज्यादा नहीं दे सकता अपने वर्कर्स को, लेकिन मल्टीनेशनल में क्या हो रहा है, वर्क हर कंट्री से आ रहा है, हर कंट्री से इसके पास आ रहा है ठीक है, एक कंट्री से बंद भी हो जाएगा तो बाहर से आ रहा है, तो ये अपने वर्कर को ज्यादा पैसे दे सकता है, हाँ तो काम भी ज्यादा लेता है मल्टीनेशनल कंपनी ठीक है ना। 148 देखो, ऑल द फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड, वो ग्रो नहीं हो सकते पिक करने के बाद ठीक है, टेकिंग द ऑक्सीजन एंड, ये तो नहीं आ सकता, ऑल द फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड, इसके बाद आना चाहिए देखो पिक्ड है ना, तो इसके ये आ गया आपका वर्ब, तो अब आना चाहिए कुछ गिविंग, तो देखो वर्ब है तो वर्ब तो नहीं आएगा फिर से है ना, तो आर तो ऐसे ही चला गया भाई, आर नहीं आएगा ठीक है, आर तो गलत है, और देखो पिक्ड जस्ट, पिक्ड के बाद जस्ट आना ये भी गलत है, वैन ये तो लास्ट सेंटेंस है तो ये आएगा नहीं, अभी पहले तो और सेंटेंस आएंगे तो ये आएगा नहीं है ना, ये तो लास्ट में आएगा, ये सिक्स जो है वन पहले आता है सिक्स लास्ट में आता है, तो अपने को पी क्यू आर एस में से कोई लेना है, जिसमें आर एस कट गया पी आ नहीं सकता तो क्यू आएगा, तो क्यू वाला कौन सा है, अरे एक ही है लगा दो खत्म कहानी, देखो हो गया ना, ऑल द फ्रूट कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड दे कंटिन्यू टू रिस्पायर फॉर सम टाइम, कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए रिस्पायर करते हैं ठीक है ना, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ दिन तक ऐसा चलता रहता है कुछ टाइम तक, सम टाइम, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग डू व्हेन दे ब्रीथ, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो फल वगैरह है वो फिर सड़ने लग जाता है ना, कि इसलिए क्योंकि वो कुछ टाइम तक उनमें ऑक्सीजन जाता है, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा सड़ने लग जाएंगे ठीक है ना। चलिए
149 पे आइए, द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। तो क्या आ सकता है भाई, कौन सा नाउन या प्रोनाउन है? नाउन दिख रहा है मेरे को, या तो कॉइन्स आ सकता है, ठीक है ना, या फाइनेंशियल आ सकता है, यूजिंग आ नहीं सकता, डिफरेंट आ नहीं सकता, ठीक है ना। सिक्स तो आएगा नहीं, वो तो लास्ट में आएगा, तो पी क्यू में से कोई आएगा। मल्टीनेशनल सोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल मेस, मल्टी सोर्सिंग ऑफ क्या, कोई सामान होगा ना, कॉइन, कॉइन होगा क्यू, तो देखो क्यू वाला कौन सा है, एक ही लगा दो, हटो आगे 150 पे आओ। इट मे सीम्स ऑड, ये ऑड समझ में आ रहा है, क्यों, रीजन होगा आगे, इट सीम्स ऑड है ना, क्यों, तो बिकॉज, जब भी सीम्स ऑड बिकॉज, क्योंकि, सिंपल सी बात है, ऐसा आएगा तो एस देखो एक ही है, इसी से पकड़ में आ गया। इट सीम्स कहता है ना, ये गलती समझ में आ रहा है यार, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, तो बिकॉज आएगा, बिकॉज वन लाइक्ड इट, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इंग्लिश का जो है टेस्ट वन का कर लिया। जो स्टूडेंट हमारा ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज में इनरोल करवाना चाहते हैं, वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, टेस्ट सी एस एफ एल डी सी ई 2020 के लिए हम लोग 20 टेस्ट सीरीज का बैच चला रहे हैं। इसमें आपको एक दिन टेस्ट मिलेगा, अगले दिन उसका डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन। देखो लास्ट टाइम में ना टेस्ट जो है ना इनएविटेबल है, टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप टेस्ट नहीं करते हैं और खाली बुक पढ़ के जाते हैं, कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप वहां पे ना फिर वही होगा, कंप्लेन करोगे कि यार मैं तो 2 घंटे मैथ ही करता रह गया, ठीक है। टेस्ट का यही जरूरत है, ठीक है ना। तो इस टाइम टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, और टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे ये मुझे नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखो हम टालते रहते हैं, अरे टेस्ट करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर से ना हमें डर लगा रहता है कि यार बेटा तेरे से हो नहीं पाएगा, इसलिए तू टेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अंदर से आप देखना, आपको आपको सोचोगे ना, टेस्ट यदि आप टाल रहे होगे कि यार कर लेंगे, फिर देख लेंगे, लास्ट के 10 दिन कर लेंगे, तो एक्चुअली वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपका मन कह रहा होता है बेटा तेरे से होगा नहीं, तेरे से होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए आप टेस्ट जो है वो करो, टेस्ट करने से ही आपको पता चलेगा कहां पे वीक हो रहे हो, और उसको अब जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसको अब भी प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट के 10 दिन में यदि कुछ टेस्ट वेस्ट लगा भी लोगे, मॉक 2-4 मॉक, तो उससे आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इसका फी जो है वो 1600 है, ठीक है। फी आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं, 920 5330671 और यदि आप अकाउंट में पे करना चाहते हो तो आपने इसी नंबर पे कॉल कर लेना, रोशन सर फोन उठाएंगे, या हो सकता है कभी मैं ऑफिस में रहा तो मैं उठा लूंगा, आपको बैंकिंग डिटेल्स दे देंगे और उससे आप बैंकिंग डिटेल पे भी पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा ऑटोमेटिक हम लोगों ने कर रखा है, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप चलता है, सी एस एफ टी जी 15 टेस्ट ग्रुप 15 में एडमिशन हो रहा है। आप पे कर देंगे, पे जैसे ही करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, प्लस अपना नाम और सी एस एफ एल डी सी 2020 इतना लिख के आप व्हाट्सएप कर देना, वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, जो एक पेपर हो गया है, एक दो पेपर, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो पेपर्स भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, राइट। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।